तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे जो हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है, क्लास टेंथ साइंस का, उसका थर्ड पार्ट, पार्ट वन एंड पार्ट टू। दोनों ही हमने जो हमारी चैनल है उस पर अपलोड कर दी है। दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने चैप्टर के स्टार्टिंग से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड, या न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का है, उसके अलावा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सब हमने कवर किए थे। आज की वीडियो में हमारा जो मेन जो है वो टॉपिक होगा, वो पहले तो हम जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है आपकी बुक में दिए हुए हैं वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करते हैं डेंटल केरीज या फिर टूथ डिके की, ये कैसे होती है और इनसे क्या होता है। तो टूथ डिके या डेंटल केरीज तब होती हैं जब जो हमारा इनेमल है वो सॉफ्ट हो जाता है और हमारे जो दांत हैं वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया सेल्स, ये फूड पार्टिकल के साथ मिक्स होकर जो हमारे टीथ हैं उनके ऊपर जो है वो एक लेयर जो है वो चढ़ा देते हैं और प्लाक या डेंटल प्लाक जिसे हम कह सकते हैं, उसकी एक लेयर जो हमारे टीथ के ऊपर जो है वो चढ़ा देते हैं। और क्या होता है, इससे जो हमारे बैक्टीरियाज हैं ये फूड पार्टिकल में जो शुगर है उसके ऊपर एक्ट करते हैं और एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो हमारा इनेमल है वो धीरे धीरे जो है सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस लेयर की वजह से ही जो सलाइवा है वो दांतों तक नहीं पहुंच पाता और जो है प्लाक के जो प्लाक कवर्स हैं इनकी वजह से दांतों तक नहीं पहुंच पाता, और जो बैक्टीरियाज ने ये जो एसिड प्रोड्यूस किया फूड पार्टिकल्स के साथ मिलके जो कि हमारे इनेमल को सॉफ्ट कर रहा है, सलाइवा उसको न्यूट्रलाइज भी नहीं कर पाता। इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है ब्रश कीजिए ताकि इस लेयर को रिमूव किया जा सके और बैक्टीरियाज को एसिड प्रोड्यूस करने से रोका जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं ये इसके ऊपर एक्ट करते हैं, पल्प के ऊपर, प्लाक के ऊपर, और इससे जो है हमारे दांतों में सूजन और इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कि दांतों में कीड़ा लग जाना, और जो हमारे दांत है वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए जो है दांतों का ध्यान रखना चाहिए और जो है ब्रश रेगुलर करते रहना चाहिए। तो इसके बाद हमारे चैप्टर में आगे हम करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या होता है, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स या बैक्टीरियाज या एल्गी हैं वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को जो है वो यूज़ करते हैं, जबकि हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का यूज़ किया जाता है एनिमल्स और फंजाई के द्वारा। अभी एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स और जो भी हम एनिमल्स जो हमारे आते हैं सभी एनिमल्स इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भी हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा फंजाई जो है ये भी हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। तो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो है हमारे प्लांट्स और बैक्टीरिया जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2, वाटर एंड सम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ऑटोट्रोफ से जो है ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि जो हेटरोट्रोफ्स हैं ये अपने फूड के लिए जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड करते हैं। और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए जो है क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी है, यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है इसका
जो है इसमें फूड प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे एल्गी और प्लांट्स हैं ये करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो क्लोरोफिल जो है नेसेसरी पिगमेंट है। बट हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो है हेटरोट्रोफ्स अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं करते, इसीलिए इनको किसी तरीके के पिगमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑटोट्रोफ्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है, बट हेटरोट्रोफ्स को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब फोटोसिंथेसिस का जो हमारा प्रोसेस है ये जो है मोस्टली अक्कर होता है दिन के टाइम में। तो जो है ऑटोट्रोफ्स हैं ये अपना जो फूड है ये जनरली जो है वो डे टाइम में जो है वो प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि डे टाइम में ही जो है सनलाइट प्रेजेंस होती है। और दूसरी तरफ जो हेटरोट्रोफ्स हैं ये अपना फूड किसी भी टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो अपना फूड जो है वो ऑटोट्रोफ्स से ही जो है वो ऑब्टेन करना होता है। तो ये हमारे डिफरेंस थे ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के। तो इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको वो कहाँ से वो रॉ मटेरियल्स जो है वो मिलते हैं। तो प्लांट्स के बारे में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो फूड बनाने का जो प्रोसेस है वो होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल हैं, पहला हमारा रॉ मटेरियल जो है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको जो है प्लांट्स जो है स्टोमेटा के थ्रू एटमोसफेयर से जो है वो प्राप्त करते हैं या गेट करते हैं। इसके अलावा जो वाटर है वो प्लांट्स की रूट्स के द्वारा जो है सोइल में से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो भी जो एटमोसफेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं, बट जो मेनली वाटर है वो प्लांट्स की रूट्स के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके अलावा जो है हमारा एक और नेसेसरी रॉ मटेरियल वो है सनलाइट, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ताकि मैन्युफैक्चर किया जा सके फूड का। वो हमारे प्लांट्स में जो ग्रीन जो है पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और इसके अलावा जो प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनके थ्रू जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड देन इन सब रॉ मटेरियल्स की हेल्प से जो है हमारे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जो हमारे स्टोमक में एसिड जो है वो प्रोड्यूस जो होता है उसका क्या रोल होता है। तो हमारे स्टोमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसका नाम होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये जो हमारे फूड में जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको जो है मार देता है, उनको किल कर देता है, और साथ ही ये क्या करता है, ये हमारे फूड का जो मीडियम है उसको चेंज करता है, हमारे फूड के साथ मिक्स होकर उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसी तरीके से कई तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एट्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारे फूड पार्टिकल्स में जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको सिंपलर वंस में जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे जब पेप्सिन है ये डायरेक्ट प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये क्या करता है, पेप्सिन हमारे जो है प्रोटीन को पेप्टोड्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या करता होता है कि जो हमारा ट्रिप्सिन है वो पेप्टोड्स को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में। एंड देन उसके बाद बारी आती है पेप्टिडेज की। तो पेप्टिडेज क्या करते हैं, वो पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, और देन उस एमिनो एसिड्स को जो है वो हमारे ब्लड के थ्रू जो है ईजिली एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो है सभी बॉडी के जो सेल्स हैं उन तक ट्रांसफ़र जो है उनको तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन सभी का जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग होती है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट फूड पार्टिकल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, जो भी हमारे फूड में जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं शुगर,
उन सब को जो है सिंपलर पार्टिकल्स में जो है कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब किए जा सके एंड देन जो हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके लिए उनका यूज़ किया जा सके। अभी जब हमने डाइजेस्टिव या डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था तब हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाइजेशन सिस्टम को कम्प्लीट पढ़ सकते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से डिज़ाइन होती है कि वो फूड डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके। तो क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी में जो है हमारे फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। इससे पहले के जो प्रोसेस हैं चाहे वो स्टोमक में हो या हमारे माउथ में हो, वहाँ पे सिर्फ फूड पार्टिकल्स को जो है बेसिकली जो है सिंपलर वंस में, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एंजाइम्स की हेल्प से, सिंपलर पार्टिकल्स में जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है। उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो काफ़ी जब मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विली के नाम से जानते हैं, तो ये विली क्या करते हैं, ये फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर देते हैं और इन विलीज में ही जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ये जो हमारे सिंपलर फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड देन इनको ब्लड की हेल्प से जो है, या ब्लड की जो हमारा स्ट्रीम होता है उन ब्लड स्ट्रीम में के थ्रू जो है इस एब्जॉर्ब्ड फूड को की डिलीवरी करती है बॉडी के सभी सेल्स तक, ताकि जो हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट किया जा सके, उनको कंप्लीट किया जा सके। तो इसके यहाँ जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी में जो हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो हो जाता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। अब यहाँ देखिए आपकी जो बुक में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस दिया हुआ है वो काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, बट ये पॉइंट वाइज जो है वो नहीं है, तो इसीलिए हम इसको पॉइंट वाइज करेंगे। तो चलिए पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जो रेस्पिरेशन का जो भी हमारा प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो रेस्पिरेशन सिर्फ ये नहीं है कि हमने ऑक्सीजन का इंटेक किया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया। रेस्पिरेशन जो है ये हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपने जो फूड आइटम्स हैं, हमारा जो फूड है उसको यूटिलाइज करके एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो कैरी आउट होते रहें। और इसके अलावा जो हमारा रेस्पिरेशन है ये बेसिकली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ये उसके बाद देखते हैं कि हमारे रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे रेस्पिरेशन का ग्लूकोज को पाइरूवेट में जो है वो ब्रेक डाउन करना। अब ये प्रोसेस जो है, ये स्टेप जो है, ये हमारा स्टेप कैरी आउट होता है, या स्टेप जो है ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को पाइरूविक एसिड में या पाइरूवेट में जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अब ग्लूकोज जो है ये हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जबकि जो हमारा पाइरूवेट है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। यानी कि बेसिकली जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है उसका जो है सिंपलर वन में कन्वर्ट कर दिया जा सके, ताकि जो है एनर्जी को वो इजीली जो है वो गेट किया जा सके। अब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसमें 6 कार्बन एटम है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जबकि जो हमारा पाइरूवेट है ये 3 कार्बन एटम्स होते हैं इसमें, यानी कि ये जो है सिंपलर मॉलिक्यूल है एज़ कंपेयर टू ग्लूकोज। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है पाइरूविक एसिड का जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन करना और उससे जो है एनर्जी को जो है गेट करना। अब जो फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट है ये हमारा टेक प्लेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक डाउन होके कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे ये डिपेंड करता है कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो किस टाइप का है, क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक
रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारे पाइरूविक एसिड हैं ये कन्वर्ट होते हैं CO2 में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारे पाइरूविक एसिड हैं ये कन्वर्ट होते हैं इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड में, और प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो दोनों ही केसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, बट पाइरूविक एसिड जो है किस टाइप के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, ये कि जो कम्प्लीटली डिपेंड करता है हमारे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पर। तो बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है ये पहले पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है, एंड देन हमारा पाइरूविक एसिड जो है ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। और इस प्रोसेस में जो है एनर्जी रिलीज़ होती है, और जो है वाटर मॉलिक्यूल्स भी जो है वो फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और साथ ही एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा ग्लूकोज है ये पहले पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है, देन हमारा जो पाइरूविक एसिड है ये कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में। एनर्जी जो है इस प्रोसेस में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें जो रिलीज़ होती है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। साथ ही जो हमारा इथाइल अल्कोहल है ये तब हमारा जो फॉर्म होता है जब हमारे माइक्रोब्स जैसे कि यीस्ट या बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है करते हैं ऑक्सीजन की कम्प्लीटली एब्सेंस में, यानी इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, तब हमारा इथाइल अल्कोहल जो है वो फॉर्म होता है। बट जो हमारे कुछ माइक्रोब्स या जो हमारे मसल सेल्स हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और इसमें जो है ऑक्सीजन काफ़ी कम या काफ़ी लो अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तब जो है हमारा लैक्टिक एसिड जो है ये फॉर्म होता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब भी हम कभी कोई वाइग्रस एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इस लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है वो हमारे फूड से मिलेगी। ऑटोमेटिक सी बात है कि हमें जो एनर्जी फूड से मिलेगी, और फूड से एनर्जी मिलेगी जब हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होगा, और फूड के ऑक्सीडेशन के लिए जो है हमें क्विक सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की। बट क्योंकि हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं होती या इनसफिशिएंट होती है, या कहें कि इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि फूड का इतना ऑक्सीडेशन कर सकें कि ये लोड या कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ हो सके। अब इस इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो हमारा पाइरूवेट एसिड है या पाइरूविक एसिड या फिर जो पाइरूवेट है ये हमारा चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। और इसी वजह से जो है अब ये लैक्टिक एसिड क्या होता है हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है, जिससे कि हमें क्रैम्प्स होते हैं और जो पेन है वो फील होता है। अगर ऑक्सीजन की जो है सप्लाई सफिशेंट होती तो हमारा पाइरूवेट कन्वर्ट होता CO2 में और हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती। बट क्योंकि हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इनसफिशिएंट होती है, और इसीलिए जो पाइरूवेट है ये कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जो मसल क्रैम्प्स हैं वो क्यों होते हैं, तो आप यहाँ पर ये आंसर लिख सकते हैं। तो ये है हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस, जहाँ यहाँ एरोबिक में शो किया गया है आपको कि जो ग्लूकोज है वो पहले ब्रेकडाउन होगा पाइरूवेट में, एंड देन पाइरूवेट हमारा ब्रेकडाउन होगा CO2, H2O और एनर्जी में। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो टाइप से हमारा ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होता है, पहला ऑक्सीजन की एब्सेंस में और दूसरा लैक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि
इस टाइप का रेस्पिरेशन हमारा हमारी मसल्स में होता है और इस टाइप का रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है यीस्ट में। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में टूटेगा एंड देन ब्रेकडाउन होगा पाइरूवेट का इथेनॉल H2O और एनर्जी में, और लैक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो हमारा ग्लूकोज है ये पहले पाइरूवेट में ब्रेकडाउन होगा एंड देन ब्रेकडाउन होगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। तो ये था हमारा डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन में, ताकि आपको जो हमारा रेस्पिरेशन है एरोबिक और एनारोबिक वो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जो है डिटेल में पढ़ने से पहले रफली पढ़ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है जब हम जो है ब्रीथ लेते हैं या सांस लेते हैं। तो क्या होता है जब हम सांस लेते हैं, तो जो एयर है ऑक्सीजन वो नोस्ट्रिल्स से होती हुई जो है लंग्स तक पहुँचती है एंड देन लंग्स में ब्रोंकी ब्रोंकियोल्स से होती हुई पहुँचती है एल्वियोलाई तक। तो अब एल्वियोलाई में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स की जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वापस से ब्रोंकियोल्स ब्रोंकी लंग्स से होते हुए नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एंड देन इस ऑक्सीजन को जो ब्लड में मिक्स की है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा होगा उसको पहुंचाया जाता है हार्ट तक। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम। तो चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ए पेयर ऑफ लंग्स, दो जो लंग्स हैं हमारे उनसे मिलकर बना होता है, जिसमें जो है काफ़ी कई तरह की ट्यूब्स जो हैं जो कि अटैच होती हैं नोस्ट्रिल्स के थ्रू। अब नोस्ट्रिल्स की बात की जाए तो नोस्ट्रिल्स हमारे जो हैं दो नोस्ट्रिल्स होते हैं जो कि एयर के लिए एक पैसेज का काम करते हैं लंग्स तक पहुंचाने के लिए एयर को, और नोस्ट्रिल्स की जो इनर लाइनिंग है उसमें कुछ हेयर्स होते हैं और साथ ही होता है म्यूकस। तो ये म्यूकस और हेयर, जो म्यूकस और हेयर हैं ये जो हम एयर को जो इनहेल करते हैं, जब हम ब्रीथ या सांस लेते हैं तो एयर को जो इनहेल करते हैं तो ये म्यूकस और हेयर जो है ये डस्ट पार्टिकल को जो है फिल्टर करने का काम करते हैं। साथ ही जो एयर है वो जब म्यूकस और हेयर से जो है पास होती है तो ये थोड़ी वार्म भी हो जाते हैं, यानी थोड़ी गर्म भी हो जाती है। नोस्ट्रिल्स के बाद आता है फेरिक्स। फेरिक्स जो है ये नोस्ट्रिल्स नेजल कैविटी के बाद जो है स्टार्ट होता है, और फेरिक्स के बाद आता है लैरिंक्स। ये दोनों ही जो है एयर को पैसेज देते हैं कि वो लंग्स तक पहुँचे, और साथ ही लैरिंक्स को जो है वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एयर है वो नेजल पैसेज फेरिंग्स लैरिंक्स से होते हुए पहुंचती है ट्रैकिया तक। तो ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया जो है रिंग ऑफ कार्टिलेज, फिगर में यहाँ शो हुआ दिखाया हुआ है, रिंग ऑफ कार्टिलेज से जो है मिलकर बना होता है, और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है कार्टिजेनस रिंग ये एयर की एब्सेंस में ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। देन ट्रैकिया से होती हुई जो एयर है वो पहुंचती है ब्रोंकाई तक। तो ब्रोंकाई जो है इसके भी एक पेयर होता है हमारे पास ब्रोंकाई का, जो कि वन ब्रोंचस, ब्रोंकाई का जो पेयर है ये ब्रोंचस के थ्रू जो है एक एक लंग, जैसे हमारे लंग्स के पेयर हैं तो एक ब्रोंचस एक लंग में, राइट। अब आगे जो ब्रोंकाई है ये फर्दर कनेक्ट होता है, जो एयर है वो हमारी ब्रोंकाई से होती हुई ब्रोंचियोल्स तक पहुंचती है। अब ब्रोंचियोल्स की बात की जाए तो जो ये ब्रोंचियोल्स हैं
ब्रोंचियोल्स यहाँ आगे आपको फिगर में भी दिखाया हुआ है कि ब्रोंचियोल्स आगे डिवाइड हो जाते हैं ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में लंग्स में। यहाँ देखिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर है फिगर में, तो ये है हमारी ब्रोंचियोल्स या ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स हमारी जो है ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। अब जो एयर है वो ब्रोंकियोल्स से होती हुई पहुँचती है एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई की यहाँ आपको फिगर में दिखाया हुआ है, जो एल्वियोलाई हैं ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मिलियंस की जो है नंबर में हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो ब्लड है, ब्लड जो हमारी ब्लड है, ब्लड कैपिलरी, उसमें जो है ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं और उससे जो हमारा ब्लड है वो हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है हार्ट तक। उसके बारे में हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अभी हम रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होता है एल्वियोलाई में, ऑक्सीजन मिक्स होती है ब्लड में, और जो CO2 है जो हमारे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से लंग्स से जो हार्ट से जो लंग्स तक हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था जिसमें CO2 थी, तो एल्वियोलाई क्या करती हैं उस CO2 को जो है उस CO2 या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करती हैं और CO2 को पहुंचाती हैं ब्रोंकियोल्स तक। तो ब्रोंकियोल्स से फिर वो CO2 जो है ट्रैकिया लैरिंग्स फेरिंग्स से होती हुई नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो हमारा प्रोसेस होता है एल्वियोलाई में। अभी हमने पढ़े हमारे रेस्पिरेटरी ह्यूमन रेस्पिरेटर सिस्टम के जो है मेन ऑर्गन्स मेन पार्ट्स के बारे में। अब हम हमारे ब्रीथिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में जो है दो पार्ट होते हैं, इन्हेलेशन और एक्सलेशन। तो इन्हेलेशन में क्या होता है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो जो हमारी रिब्स हैं हम इनको लिफ्ट करते हैं, और लिफ्ट करने से क्या होता है, जो ये हमारा डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है जिससे कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो लार्ज हो जाती है, और इस वजह से जो हमारे लंग्स हैं उनमें एयर को जो है वो सक कर लिया जाता है और एल्वियोलाई जो है वो हमारी ऑक्सीजन से फिल हो जाती हैं, और यहीं पर जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। मैंने आपको बताया था जो CO2 है वो लंग्स की कैविटी में डिफ्यूज हो जाती है और जो O2 है वो हमारी ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। तो सांस लेने के बाद या इनहेल करने के बाद बारी आती है एक्सहेलेशन की। तो जब हम सांस छोड़ते हैं, ब्रेथ आउट का जो हमारा प्रोसेस है वो होता है, तो जो हमारी रिब्स हैं वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाती हैं, और नॉर्मल फॉर्म आने में से जो हमारा डायफ्राम है ये कॉन्वेक्स हो जाता है जिससे कि जो हमारी लंग्स हैं ये भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आते हैं जिससे कि ये एयर को पुश करते हैं और वो लंग्स से जो है बाहर की ओर जो है एयर हमारी पुश होती है और नोस्ट्रिल्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब लेकिन जब भी हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग जो साइकिल है इसमें कभी भी लंग से जो है सारी एयर या कंप्लीट एयर बाहर नहीं निकलती, कुछ एयर या कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है या एयर है वो लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है जो कि ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन में करती है। यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो काम है वो खत्म होता है, बट उसके बाद क्या होता है, जो हमारा एल्वियोलाई है जहां पे ऑक्सीजन को ब्लड से मिक्स किया जाता है जिससे कि जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, देन हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वर्किंग स्टार्ट होती है। आर्टरीज, वेन्स, हार्ट, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उनकी वर्किंग स्टार्ट होती है, और वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी सेल्स तक जो है पहुंचाया जाता है। तो जब हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि सेल्स में क्या होता है, सेल्स में उस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है उसका यूज करके जो ग्लूकोज है उसको पाइरुवेट
एंड देन एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले जो हमारे अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो ये हमारे वो क्वेश्चंस हैं जो हम अब कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रेस्पिरेशन के जो ऑक्सीजन है उसको ऑब्टेन करने में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज होता है। तो देखिए क्या है, जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और आपको पता है कि वाटर में जो है वो ऑक्सीजन डिजोल्व जो होती है वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर उससे कम होती है। इसीलिए जो है हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को अपनी ऑक्सीजन की नीड को पूरा करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा तेजी से सांस लेनी पड़ती है, और इसीलिए जो उनकी रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो काफ़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको गैसेस एक्सचेंज के लिए ज़्यादा या वेरियस टाइप ऑफ अडेप्टेशंस जो हैं वो शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसा कि हमारे जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं गिल्स की हेल्प से या फिर जो है स्किन की हेल्प से भी रेस्पिरेशन करते हैं। इसके अलावा उनकी जो है रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग रेट जो है वो भी काफ़ी हाई होती है। बट जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो है ऑक्सीजन की बेटर सप्लाई मिलती है, उनको ऑक्सीजन की बेटर सप्लाई के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत या यूँ कहें जो उनकी ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल होती है, और नॉर्मल ब्रीथिंग रेट में ही उनको ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई जो है वो मिल जाती है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि जो ग्लूकोज है वो वेरियस ऑर्गेनिजम्स में यानी जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी को प्रोवाइड करवाने के लिए। तो अभी जब हमने एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म की जो रेस्पिरेशन है वो बेसिकली हमारे सेल्स में होता है। तो जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जो कन्वर्ट ब्रेक डाउन होता है वो होता है पाइरूवेट में। अब अगर हमारा रेस्पिरेशन है एरोबिक, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा पाइरूवेट है वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में। और ये जो हमारा रेस्पिरेशन है ये प्रोसेस जिसमें हमारा पाइरूवेट जो है ये एनर्जी CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है ये हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इसको सेल्स का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि जो ये एनर्जी रिलीज हुई ये एनर्जी ATP की फॉर्म में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और कवर हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस भी क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो एनर्जी स्टोर हो जाती है ATP की फॉर्म में, और ये एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स को प्रोवाइड करवाता है उनके जो फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हमारे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो पहला रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है जो कि बेसिकली देखने को मिलता है आपको जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यीस्ट। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है, जो हमारा पाइरूवेट है ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल CO2 और एनर्जी में। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई वो लो है क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ, तो इसमें जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता और जो हमारा पाइरूवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। थर्ड वन जो है ये हमारा होता है ऑक्सीजन की लैक ऑफ सप्लाई में। जब ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा ना हो, सफिशेंट ना हो, एक लिमिट में हो, तो इस टाइप का जो रेस्पिरेशन है ये देखने को मिलता है हमारी मसल सेल्स में, जहाँ हमारा जो पाइरूवेट है ये हमारा जो पाइरूवेट है
ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। अब लैक्टिक एसिड जो है ये भी हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें भी जो हमारा कार्बन है ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाता और जो एनर्जी रिलीज होती है वो लो होती है एज कम्पेयर टू जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ह्यूमन बींग्स में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो अभी जब हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे एल्वियोलाई है वो ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन को मिक्स कर देती है। कैसे? क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट होता है हमारा होमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? ये ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनाता है, जिससे कि जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट की हेल्प से, जो हमारा हार्ट है ये पंप की तरह काम करता है, तो हार्ट जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे ह्यूमन बॉडी के सभी पार्ट्स तक, सेल्स तक जो है वो ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पहुंचाता है। और ऑक्सीजन को ब्लड सेल्स तक पहुंचाने के बाद जो हमारा ब्लड है ये CO2 को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारी बॉडी के लिए इतनी नेसेसरी या यूँ कहें कि जो है इनटेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बॉडी से एक्सहेल करना जो है वो ज़रूरी है। तो रेस्पिरेशन का हमारी बॉडी में जो एंड प्रोडक्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन का हमने अभी ऊपर पढ़ा था, एंड प्रोडक्ट क्या होता है? CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो जो CO2 है हमारे रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट, अब ये क्या होता है जब हमारी सेल्स ऑक्सीजन को दे देती हैं, वहाँ ब्लड जो है ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुँचाता है, तो ये CO2 को उसकी डिजोल्व फॉर्म में, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ये CO2 पिगमेंट के साथ, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कंबाइन नहीं हो पाता, तो CO2 ब्लड में जो है वो डिजोल्व हो जाता है। तो वो डिजोल्व फॉर्म में जो CO2 है उसको जो है लंग्स तक लाया जाता है ब्लड की हेल्प से, और CO2 के मिलने से जो हमारा ब्लड है ये हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड। अब ये CO2 वाला ब्लड जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लंग्स तक लाया जाता है एल्वियोलाई की मदद से, जहाँ ब्लड में से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है एंड देन उसको ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी की हेल्प से नेजल कैविटी के थ्रू जो हमारी बॉडी से जो है वो एक्सहेल कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस जो हमारा ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स में जो हमारे लंग्स होते हैं ये गैसेस के एक्सचेंज के लिए मैक्सिमम एरिया जो है वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि गैसों के एक्सचेंज के लिए जो है वो मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड कराया जा सके। तो देखिए क्या होता है, जो हमारी एल्वियोलाई है इसमें ब्लड कैपिलरीज जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिससे कि जो है वो गैसियस का एक्सचेंज होता है वो इजी हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि ब्लड के थ्रू जो है गैसियस का एक्सचेंज कैसे होता है, लंग्स टू हार्ट एंड देन बॉडी सेल्स। तो यानी कि एल्वियोलाई जो है ये गैसियस के एक्सचेंज की मेन साइट है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब हमारे लंग्स जो है वो एयर से फिल हो जाते हैं तो ये एयर जो है ये पहुंचती है एल्वियोलाई तक, और जो एल्वियोलाई है ये एयर से फिल हो जाती हैं। अब क्या होता है, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स हमारे दो होते हैं, हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स हैं, तो ईच लंग में यानी कि एक जो हमारा लंग है इसमें 300 to 350 million एल्वियोलाई है, यानी आप काउंट करें कि एक ह्यूमन का जो पेयर ऑफ लंग्स है इसमें अराउंड 700 million एल्वियोलाई है, और जब ये एल्वियोलाई गैसेस से फिल हो जाती है तो ये अराउंड 80 meter square का एरिया जो वो है वो कवर करती हैं, और इतना जो बड़ा एरिया है ये गैसेस के एक्सचेंज को या रेस्पिरेशन का जो हमारा प्रोसेस है इसको काफ़ी एफिशिएंट बना देती हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.